गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में हम लोग दो वीडियो में 14 क्वेश्चंस को देखे थे और लास्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बोला गया था इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। कुछ लोग का आंसर आया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, क्वेश्चंस था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली, तो इसका राइट आंसर था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेटेस्ट अपडेट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे नोट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर है 15। सबसे पहले देख लेते ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम दैट यूजेस इकोलॉजिकली बेस्ड पेस्ट कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स ड्राइव्ड लार्जली फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कवर क्रॉप्स। यानी ये क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जितने बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स जो वेस्ट है जानवरों का वो सब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एक मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। ओके, तो ये डेवलप हुआ था आपको ये एनवायरनमेंट को हार्म यानी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज डेवलप्ड एज अ रिस्पांस टू एनवायरनमेंटल हार्म कॉज बाय द यूजेस ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ओके, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए जिससे एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, ये मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सिस्टम लाया गया है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है एसिड रेन। एसिड रेन इज कंसिडर्ड विथ प्रेजेंस ऑफ, यानी एसिड रेन में कौन सा वो दो गैस मौजूद रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर है SO2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन क्या है। एसिड रेन मीन्स द precipitations ऑफ द एसिडिक components एज ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर SO2 एंड NOx। ओके, एंड ये क्या है, ये दो गैसों के मिलन से जो बारिश होती है, एसिडिक बारिश होती है, उसे कहते हैं एसिड रेन। तो इसमें दो गैस रहता है NOx नाइट्रोजन और SO2 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन रिजल्ट व्हेन द सल्फर ऑक्साइड्स इन SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx आर इमिटेड इन द एटमोसफेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाई द वाइंड एंड एयर करेंट्स। ओके, यानी ये SO2 और NOx मिल करके हवा के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है और करेंट के जरिए, और जहाँ पे बादल पानी से लदा हो और वहाँ पे बारिश बरसने लगती है उसको कहते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF स्टैंड्स फॉर। ओके, ये वो फाइटिंग वाला WWF नहीं है, वो WWE है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है WWF स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर वन वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वॉश फंड, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वॉर फंड। ओके, तो वर्ल्ड वॉर फंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, WWF इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1961, हेडक्वार्टर एट ग्लांड स्विट्जरलैंड। ओके, ये 1961 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। इट एम्स प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसका मेन मकसद है कि एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का जो इफेक्ट है उसको कम करना है। क्वेश्चन नंबर 17, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर वन जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड में है। ओके, द वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन द चमोली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्स ऑफ उत्तराखंड। इट वॉज ऑल्सो नोन द लार्ज मेडाउस ऑफ द अल्पाइन फ्लोरा। मेडाउस एक घास का एक प्रजाति है,
ये बहुत बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं। इट इज़ लॉ लविंग हिमालयन वैली एंड हैज़ एन अल्पाइन टेम्परेचर क्लाइमेट। यहाँ पे लॉ लाइंग हिमालयन वैली है और यहाँ पे अल्पाइन टेम्परेट क्लाइमेट्स है। इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सच एज एशियाटिक ब्लैक बियर रेड फॉक्स। ओके, ये बहुत बड़ा एक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए एक होम जैसा है और वहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर फॉक्स वगैरह मिलता है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। ये यूनेस्को को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द पॉल्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा एजेंसी है जो ये मेजर करता है पॉल्यूशंस का मकदार, रेंजेस कितना है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 2 सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल वाटर कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CPCB। ओके, CPCB दैट मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इट इज़ अ स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द सेप्टेम्बर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ओके, ये एक स्टैचुरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट्स का और ये रन कर रहा है सितंबर 1974 से, और ये किसके अंडर में आता है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974 के कानून के तहत अंदर में आता है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज लेड इट्स चेयरमैन एंड चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका जो चेयरमैन ये जो चुना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चुनता है। नेक्स्ट है कोटिपेक्सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन। कोटिपेक्सी एक वर्ल्ड का एक्टिव वॉल्केनो है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर 1 सिलिसली, ऑप्शन नंबर 2 रॉकीज, ऑप्शन नंबर 3 एंडीज, या ऑप्शन नंबर 3 हवाई। इसको राइट आंसर है एंडीज के माउंटेन यानी साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। कोटिपेक्सी वॉल्केनो सिचुएटेड इन द एंडीज माउंटेन्स इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस रनिंग अलोंग द साउथ अमेरिका एंड पासिस थ्रू द कोलंबिया। कंट्री का नाम है इक्वाडोर, इसके अलावा पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली। ओके, ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के कंट्री जो है इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, अर्जेंटीना, इतने दूर तक ये फैला हुआ है। इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो डैट हैज़ हैड द लीस्ट 1 इरप्शंस ड्यूरिंग द पास्ट 10,000 ईयर्स। ओके, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और 10,000 साल से ये हमेशा एक्टिव होता ही रहता है। ये लास्ट मार्च के महीने में ये एक्टिव हुआ था इसी साल। क्वेश्चन नंबर 20, सांगपू रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज, यानी जो तिब्बत से निकलता है सांगपू रिवर, इसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर 2 इंडस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर 3 यमुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। सांगपू रिवर ऑफ द तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चेमुडांग ग्लेशियर्स ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ये कैलाश रेंज से मानसरोवर लेक चेमुडांग नाम के ग्लेशियर से निकलता है। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नोन एज द जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना नाम से जाना जाता है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे मनास, लोहित, तिस्ता एंड संकोच रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 28, पोल स्टार है क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ स्टार, ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट स्टार, ऑप्शन नंबर 3 ईस्ट स्टार, या ऑप्शन नंबर 3 साउथ स्टार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ स्टार। पोल स्टार क्या है? एक नॉर्थ स्टार है। द पोल स्टार इज द बिगेस्ट ऑल स्टार्स एंड विल बी द फर्स्ट स्टार टू राइज आफ्टर द सनसेट इन द स्काई। ओके, जब सनसेट होता है तो इस आसमान में अपीयर होता है। पोल स्टार राइज इन द नॉर्थ एंड दस यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस एंड इंडिकेटर। इसको पुराने जमाने में इंडिकेटर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, डायरेक्शंस के तौर पर। एज पर इंडियन माइथोलॉजी the pole star called the Dhruva star, Indian mythology के हिसाब से इसको Dhruva star भी कहा जाता है, honored by the Lord Vishnu के तहत, to be the very first star in the sky ever, और ये sky पे सबसे पहले देखा जाने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इंडिया। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होती है, 1972 में, 1985, 1981 या 1973? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होती है 1973। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 विद एन एम टू सेविंग द स्टेडली डिक्लाइंग पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर। इंडियन गवर्नमेंट इसको 1 अप्रैल 1973 को शुरू करती है, किस लिए, कि जो डे बाई डे जो टाइगर का जो पॉपुलेशन घट रहा है उसको सेव करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन द लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो चलाया जाता है एक प्रोजेक्ट के तौर पर, और इसको जो लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाई द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1973 फ्रॉम द जिम कॉर्बेट पार्क इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के टाइमिंग में 1973 में। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग EVS का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।